चलो हम दोस्त अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है। सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। अब देखिए, जैसा कि सवाल में था दोस्त कि ए बी मीनार है, तो माना कि ए बी एक मीनार है तथा आधार से कहता है 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है, तो आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर क्रमशः बिंदु पी और क्यू है, जहाँ से उन्नयन कोण थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा है। यह थीटा और 90 माइनस थीटा दोस्त इसलिए लिया गया क्योंकि कहता है कि उन्नयन कोण पूरक है, तो पूरक कोण वही कहलाता है जिन दो कोणों का योगफल कितना डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। सपोज कीजिए, अगर एक कोण 40 डिग्री हो तो दूसरा कितना होगा, 90 में से 40 हटाएंगे तो 50 होगा। तो यहाँ एक थीटा माने दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा। सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई, यह ए बी है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। प्रमाण हम देखते हैं, त्रिभुज अब ए बी पी में 10 थीटा लंब बटा आधार, लंब है ए बी, आधार है बी पी, 10 थीटा ए बी, बी पी का मान है 9 मीटर, इसको मैंने समीकरण एक माना। अगला देखते हैं, इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में ए ए क्यू बी में या ए बी क्यू में 10 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बटा बी क्यू, सॉरी एक बी क्यू, तो यहाँ से होगा 10 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बटा, इसका मान है 4 मीटर, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 90 माइनस थीटा, चूँकि 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट ए बी बटा 4 मीटर हो गया। इसको समीकरण दो माना, समीकरण एक और दो को गुना किए, तो समीकरण एक में देखिए, मेरा समीकरण एक है 10 थीटा ए बी बटा 9 मीटर, समीकरण दो है कॉट थीटा, 10 गुने कॉट। जब दो समीकरण को गुना करते हैं तो बायां बायां के साथ गुना होता है, दायां दायां के साथ गुना होता है। तो यहाँ ए बी बटा 9 इधर था, ए बी बटा ये 4, तो ये गुना करने के पश्चात मेरा गुना गुना करके आया इधर, एक ए बी गुना करेंगे ए बी स्क्वायर 36 मीटर, 6 मीटर और 9 मीटर गुना करेंगे तो 36 मीटर स्क्वायर, इस साइड स्क्वायर है 36 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर इस साइड तो रूट हो जाएगा, रूट अंदर ए बी बराबर हो गया मेरा 6 मीटर। इस प्रकार मीनार की ऊंचाई था ए बी बराबर 6 मीटर प्रूव्ड।